दोस्तों आप सभी से नमस्कार, फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज ये स्लैब रखे जा रहे हैं खेड़ी पुल पुलिस थाने के पास, और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये स्लैब ऊपर कैसे रखे जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिक क्रेन है और दोनों तरफ से आप लोग देख रहे हैं हुक लगे हैं और स्लैब को उठाया जा रहा है। आप लोग लाइव देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव नहीं देख पाते और उनको पता भी नहीं इतना बड़ा स्लैब, इतना वजनदार स्लैब ऊपर कैसे रखा जाता है। दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और उसी के लिए ये स्लैब ऊपर रखे जा रहे हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा और बड़ा फ्लाईओवर बनेगा, उसके लिए मजबूत स्लैब भी चाहिए होते हैं, और आज स्लैब रखे जा रहे हैं, आप लाइव देख पा रहे हैं। थोड़ा दिखाओ भाई, जूम करके थोड़ा सा दिखाओ, एकदम क्लोजअप बढ़िया फ़ोटो आ जाए। हाँ, बढ़िया फ़ोटो आ जाए। देखिए स्लैब रखे जा रहे हैं दोनों तरफ, दिखाओ, ये देखिए, बढ़िया भैया बढ़िया। थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि दोनों तरफ का एक साथ दिख जाए, वहाँ साइड में। हाँ, ताऊ का ले लो, ताऊ का ले लो। हाँ, आप दिखाओ दोनों तरफ का एक साथ आ जाए, ऐसा दिखाओ। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े होंगे, वो भी देखना चाहते। देखिए अभी 5 मिनट में ये स्लैब रख दिया जाएगा। 2 स्लैब रखे जा चुके हैं, ये 3रा स्लैब रखा जा रहा है। 3 स्लैब इधर आएंगे और 3 स्लैब उधर आएंगे, तो ये 3 स्लैब का काम आज पूरा हो रहा है। और अभी के अभी, आज के आज, उधर भी शायद स्लैब रख देंगे। देखिए बहुत ताकत है इस हाइड्रोलिक क्रेन में, काफ़ी वजन उठा सकती है, और दोनों तरफ से हाइड्रोलिक क्रेनें लगी हुई हैं। अभी कैमरामैन दिखा रहे हैं, देखो स्लैब रखा जा चुका है करीब करीब। आइए आइए, थोड़ा अंदर से दिखाते हैं आपको। इंजीनियर भी हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी देखिए 2 मिनट में स्लैब को यहाँ पर रख दिया जाएगा। देखिए उधर भी इंजीनियर वगैरह खड़े हुए हैं और इधर भी इंजीनियर वगैरह खड़े हुए हैं, और क्रेन का धुआं निकलने लगा। इतनी पावर लगा दी कि क्रेन का धुआं निकलने लगा, क्रेन के भी पसीने छूट गए, आप लोग देख रहे हैं, क्रेन के भी पसीने छूट गए। उधर देखिए वो स्लैब हुक फिट होने वाला है, आप लोग देख रहे हैं, पोल पर फिट होने वाला है, और कोई इंजीनियर होगा उससे बातचीत करते हैं। देखिए कोई इंजीनियर है आप लोगों में से, कोई इंजीनियर है, कौन है वो भैया? हाँ, तो ये बता सकते हैं इसको बोलते क्या हैं? आइए थोड़ा इंजीनियर साहब से बातचीत करेंगे, वही बताएंगे, थोड़ा जानकारी देंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत सारे टर्म्स की हमें जानकारी नहीं होती। देखिए ये रखने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल रखने वाले हैं, दोनों तरफ बिल्कुल सीधा करके रख देंगे इसको, फटाक से रख देंगे। तो अभी देखिए भाई साहब दोनों तरफ अपना ध्यान रख रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। बस इधर भी देखिए स्लैब इधर भी आ चुका है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, तब जाकर इसको रख देंगे। तो आप लोग लाइव देख पा रहे हैं, इधर आ जाइए कैमरा में, बस इसको रखने वाले हैं, देखो रखने वाले हैं, रखने वाले हैं, देखो पोल पर फिट करने वाले हैं इसको, और पोल भी काफ़ी मजबूत है यहाँ के, देखो इसको हथौड़े से तोड़ेंगे तो टूट नहीं पाएगा, इतने मजबूत पोल हैं ये, देखो बस इस पर रखने वाले हैं। दोनों तरफ जैसे ही बैलेंस बनेगा और फटाक से इसको रख देंगे। तो दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी काम तेज़ हो गया है, अभी काम तेज़ हो गया, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसको 6 महीने के अंदर शुरू भी करना है। 2-3 जगह का काम बच रहा है, बाकी काफ़ी काम पूरा हो चुका है। ये देखिए बस रख दिया इसको फटाक से, रख दिया इसको फटाक से, ये देखिए बिल्कुल एकदम फिट कर देंगे इसको पोल के साथ में। थोड़ा सा रह रहा है बस, तो आप लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर काम हो रहा है, पूरी तरह से मुस्तैदी से काम हो रहा है।
उधर तो एकदम फिट हो गया है मेरे ख्याल से, और इधर रह रहा है। स्लैब रखे जा रहे हैं, काफ़ी वजनदार स्लैब हैं। आपने देखा, आपकी आंखों के सामने इसको उठाकर ऊपर रख दिया गया। और ये क्रेन देखिए, पसीने छूट रहे हैं इसके, क्रेन के पसीने छूट रहे हैं, इतना वजन है, इतना वजन है कि क्रेन के पसीने छूट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और दोनों तरफ देखिए इंजीनियर खड़े हुए हैं और लेबर खड़े हुए हैं जो इसको फिट करवा रहे हैं। अभी इंजीनियर साहब से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि कैसे ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा काम बच रहा है, बस बाकी रख दिया गया करीब करीब। और धुआं छूट गया, देखो क्रेन का धुआं छूट गया, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि क्रेन का धुआं निकल जा रहा है, क्रेन का धुआं निकल जा रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये देखिए धुआं निकल गया, धुआं छोड़ रही है क्रेन, दोनों तरफ की क्रेन जो है वो धुआं छोड़ रही है, पसीने छूट गए इसके। ये स्लैब फिर से थोड़ा उधर हो गया है, तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर यहाँ पर हैं, काम पर लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे रखना है, किधर से रखना है। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो जो पुल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए बिल्कुल बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे ही ये बीच में आएगा गुटके पर, इसको रख देंगे फटाक से। इधर का तो मेरे ख्याल से फिट हो गया है, अब इधर का रह रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि काफ़ी मजबूत स्लैब है। रख दिया, देखिए रख दिया, वो देखो रख दिया, इधर भी रख दिया, उधर भी रख दिया। उधर को तो रख दिया, बिल्कुल सेट हो गया। अब ये वाला थोड़ा सेट नहीं हुआ है, अभी इसको थोड़ा उधर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्रेन के भी पसीने छूट जाते हैं इस काम में, क्रेन के भी पसीने छूट जाते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये स्लैब रखने में। तो आइए क्रेन भी दिखा देंगे आपको, करीब करीब तो रख ही दिया है, थोड़ा जल्दी हटो, गिर जाएगा तो सर टूट जाएगा। ये क्रेन है, आप लोग देख रहे हैं काफ़ी हैवी क्रेन होती है, और इसी के सहारे ये स्लैब को रखते हैं। इधर से सही दिख रहा है, इधर से दिखाओ, ये कितनी हैवी स्ट्रॉन्ग क्रेन होती है, और इसी के सहारे ये कोई भी स्लैब ऊपर रख देते हैं उठाकर, और कितना भी वजन ये ऊपर उठा सकती है और कितना भी ऊंचा उठा सकती है। अभी आपने देखा आपकी आंखों के सामने ये स्लैब रखा गया, इधर का तो रख दिया है बिल्कुल बीचों बीच गुटके के, और उधर भी रख दिया है, बिल्कुल काम जो है ख़त्म हो चुका है। देखिए एक स्लैब और रखेंगे, चार स्लैब रखेंगे। तो देख रहे हैं आप लोगों ने लाइव देखा, गुटके को रख दिया है, गुटके पर रख दिया है स्लैब को एकदम बीचों बीच,
इंजीनियर साहब क्या हाल है? क्या हाल है सर? बढ़िया है। पहले बाहर आ जाइए। अच्छा सर, जैकेट लीजिए आप। अच्छा अच्छा, बाहर आ जाइए। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। कह रहे हैं सेफ्टी जैकेट पहनिए। हाँ ठीक ठीक, सेफ्टी जैकेट पहनने की बात करें, सही बात है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, कहीं चोट वोट लग जाए, कोई स्लैब वगैरह गिर जाए, क्योंकि सब ने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है अपनी अपनी, और हमने नहीं पहनी, इसीलिए कह रहे हैं आप नीचे से हट जाओ। तो दोस्तों आपने लाइव देखा, अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन आप लोग कम ही देखते होंगे। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे, काम तेज़ी से चल रहा है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।